राशिफल के अनुसार आज यानी मंगलवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं ग्रहों के चाल के मुताबिक आपके किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। मेष राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। संतान को कुछ शारीरिक कष्ट होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपकी सोच समझ से काम पूरे होंगे। ऑफिस में आपकी कुछ रसूखदार लोगों से मुलाकात होगी तो आपके खूब काम आएगी। आपके बॉस आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। सरकारी नौकरी से संबंधित परीक्षा को दे सकते हैं। यदि किसी से कोई वादा किया था तो आपको उसे पूरा करना होगा। वृषभ राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए सुखमय रहने वाला है। आप भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको किसी काम को लेकर सोच समझकर चलने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी। आपका जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। आप कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मिथुन राशि वालों की बात करें तो आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको कोई नए पद की प्राप्ति हो सकती है। आपके कुछ नए कामों से पहचान बनेगी। आपको जरूरी कामों को लेकर धन खर्च करना बेहतर रहेगा। व्यापार कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आप माता पिता की सेवा के लिए कुछ समय निकालेंगे। आपको किसी जरूरी काम पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। कर्क राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए चिंताग्रस्त रहने वाला है। आपके कोई पुराने काम से आपको टेंशन अधिक रहेगी और आपका काम करने में मन भी थोड़ा कम लगेगा। आपको बिजनेस की किसी योजना से भी हाथ धोना पड़ सकता है। आपके किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी और उससे मिलकर आपको खुशी होगी। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। आपको अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाना होगा। सिंह राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपका यदि कोई लंबे समय से रुका हुआ काम अटका हुआ था तो उसके पूरे होने की पूरी संभावना है। धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। आपका कोई सरकारी मामला यदि आपको परेशान कर रहा था तो आपको धन थोड़ा सोच समझ कर देने की आवश्यकता है। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। कन्या राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप किसी नई प्रॉपर्टी मकान आदि की खरीदारी करने की आप योजना बना सकते हैं। आपके घर किसी पूजा पाठ का आयोजन होने से परिवार के सदस्य खुश रहेंगे। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। आपका कोई लेन देन यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो आपको उसे पूरा करना होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। तुला राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से फलदायक रहने वाला है। यदि आपका धन कहीं अटका हुआ था तो उसके आपको मिलने की संभावना है। यदि आप किसी नई प्रॉपर्टी की खरीदारी करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको किसी से धन बहुत ही सोच समझकर उधार लेना होगा। आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। बिजनेस में आपको अच्छा लाभ मिलने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों में बिल्कुल ढील ना दें। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए खर्चों से भरा रहने वाला है। आपको अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता है। संतान को कार्य करते देख आपके मन में खुशी होगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने अधिकारियों से काम को लेकर बातचीत करनी होगी। आपके सामने कुछ ऐसे खर्च आएंगे जो आपको मजबूरी में ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। आपके दोस्त आपको कहीं घुमाने फिराने ले जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपको किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह मशवरा नहीं करना है। धनु राशि वालों की बात करें तो आज का दिन नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको किसी पुराने मित्र से मिलने से खुशी होगी। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आपके मन में किसी बात को लेकर बेचैनी बनी रहेगी। एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी टेंशन बढ़ सकती है। परिवार में आपको सदस्यों की जरूरत पर पूरा ध्यान देना होगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। मकर राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला है। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने सहयोगियों से कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। यदि आप किसी बड़े निवेश के फायदे को लेकर करेंगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी किसी पुरानी मित्र से कुछ खटपट होने की संभावना है, इसलिए बहुत ही सोच समझ कर कोई बात बोलें। कुंभ राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में चल रही समस्याओं से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। आप अपने घर किसी महत्वपूर्ण काम पर पूरा ध्यान देंगे। आपको आज किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना पड़ सकता है। छोटे बच्चों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती में व्यतीत करेंगे। आपका कोई पुराना लेन देन आपके लिए सरदर्द बन सकता है।
मीन राशि वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आपकी माताजी आपको कोई संपत्ति से संबंधित जरूरी जानकारी दे सकती हैं। बच्चों के साथ आप कुछ समय खेलकूद में व्यतीत करेंगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने सहयोगियों से किसी काम को लेकर मदद लेनी पड़ सकती है। आपकी संतान आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ सकती है। आप किसी काम को लेकर जल्दबाजी ना दिखाएं। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर पूरा कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखने के लिए मेहनत अधिक करनी होगी। ऐसे ही अपना रोज का राशिफल जानने के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।